डाउनलोड द Z5 ऐप नाउ। आज सीरियल आपके आ जाने से में आप देखेंगे वेदिका पर तेज प्रताप अपने गुंडों से करवाएंगे हमला और उसे बचाने के लिए पंक्ति आ जाएंगी बीच में। इस बीच पंक्ति को लग जाएगी चोट, पंक्ति वेदिका को सॉरी बोलेगी। चोट भी लगी है, मतलब कैसे लग गई सर पे चोट? क्योंकि हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऊपर छत पर पतंग उड़ा रहे हैं और मेरे बाबा ने एज यूजुअल कुछ प्लानिंग की थी। वो ये थी कि वो चाहते थे अपने गुंडों से कलवा कर वेदिका जी को छत से धक्का दिलवाना चाहते थे, पर पंक्ति सुन लेती है। तो वेदिका जी को जब धक्का लगने वाला होता है तो पंक्ति उनको हटा के खुद उनकी जगह आ जाती है, तो पंक्ति छत से गिर जाती है। तो उस वजह से तो मतलब ये बोल सकते हैं कि मतलब रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है वेदिका जी। और हाँ, वैसे ही वेदिका जी ने इतनी हेल्प की है पंक्ति की, हमेशा उसके साथ खड़ी रही हैं और पंक्ति बहुत मानती है उनको अब कि वो इतनी अच्छी इंसान है और हर हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं। तो फिर इसके बाद साहिल कर लेंगे वेदिका को हग। पंक्ति यही चाहती है कि दोबारा से साहिल को वेदिका जी से प्यार हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि वेदिका जी उनसे बहुत प्यार करती हैं और उसके लिए ही वो कुछ उसे बता भी नहीं रही हैं ताकि उसकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। पर पंक्ति जेन्युइनली चाहती है कि वो लोग एक हो जाएं। तो वही व्यू चल रहा था पंक्ति के दिमाग में, उसे अब ये भी लग रहा है कि शायद मैं रहूँगी तो ये एक नहीं हो पाएंगे या डिस्ट्रैक्शंस होंगे या फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो पंक्ति सोचती है मैं ऐसे चली जाऊंगी। लेकिन देखा जाए तो आप भी अभी साहिल की वाइफ बन चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो फिर मतलब ऑलमोस्ट सिंदूर और वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो फिर मतलब पंक्ति को ऐसे मन में नहीं लग रहा है कि साहिल की होनी चाहिए या कुछ ऐसा? क्योंकि पंक्ति जानती है कि वो शादीशुदा है पहले से, तो उसकी शादी इज़ इलीगल। पंक्ति की शादी इज़ इलीगल और वो कोई शादी नहीं थी, वो उसने बचाने के लिए किया उसको, जिसके लिए वो बहुत थैंकफुल है। बट वो जेन्युइनली चाहती है कि वो वेदिका के साथ रहे और उसको दोबारा से वेदिका से प्यार हो जाए। ये ब्यूटीफुल, मतलब साड़ी को लेके कुछ कंफ्यूजन हुई है आज आप लोग के बीच में? नो, देर इज़ नो कन्फ्यूजन एज इन लाइक दैट, ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं पीछे से जा रही हूँ तो, बट क्योंकि पंक्ति ने कभी साड़ी पहनी नहीं है तो साहिल को पता नहीं होता है कि ये पंक्ति ही है क्या, क्योंकि साड़ी सिर्फ वेदिका पहनती हैं और वेदिका जी ने मुझे ये साड़ी दी है पहनने के लिए। साहिल के स्वीट जेस्चर के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। डाउनलोड द Z5 ऐप नाउ।